पटाती रह गई, मगर इंसानी खाल का लबादा पहने वो दो भेड़िए इसका जिस्म नोचते रहे। सुबह जब इसकी एक रिश्तेदार घर के अंदर दाखिल हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित लड़की बदहवास विलखती, बदन पर सूत का एक धागा तक नहीं, रो रही थी। लड़की सोवत रही है तो दो लड़का कूद के घर में आए गए हैं, तो लड़की के मुंह बंद कर लिए हैं, तो लड़की के साथ जो गलत कर रहे। लड़की की हालत देखते हुए पड़ोसियों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी के जिला अस्पताल में जैसे ही लड़की पहुंची, हर कोई सन्न रह गया। दरअसल थाना चरवा की रहने वाली ये मजलूम एक तो पहले ही वक्त की सताई थी, ऊपर से दरिंदगी का दंश, क्योंकि बचपन में ही इसकी माँ दुनिया से अलविदा कह गई। साथ ही पिछले 5 साल से पिता का प्यार भी इस लड़की को नसीब नहीं था। इसका पिता महज एक मिट्टी के बुत की तरह एक ही कमरे में अपनी जिंदगी बिता रहा है। 8 साल के पहले कत्ल हुई है तो हमारे भाई डर के मारे देख लिए तो कमरे में बंद हुए गए, तो कमरे से खोलत नहीं रहे, तो उनका खाना हम बाहर से दे देते। सुना, 5 साल पहले पीड़ित लड़की के पिता ने एक मर्डर होते अपनी आंखों से देख लिया। एक अकेला चश्मदीद हत्या आरोपियों ने लड़की के पिता को गवाह बनने पर इस कदर टॉर्चर किया कि आज एक जिंदा लाश की तरह वो जिंदगी गुजार रहा है, और इसी का फायदा उठाकर इंसानियत के उन दुश्मनों ने घर में घुसकर लड़की की इज्जत पर बदनुमा दाग लगा दिया। वहीं हमारी पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। कौशाम्बी जनपद के चरवा थाना क्षेत्र में बीती रात में एक घटना हुई है, तो आज दिन में ये बात प्रकाश में आई है। एक लड़की ने अपना बयान में कहा है कि उनके साथ बलात्कार की घटना हुआ है, तो अभियोग तत्काल पंजीकृत किया गया है और इसमें हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी से गांव की हर गली खामोश है। हर कोई अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए परेशान है। अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस इंसाफ दिलाने का वादा कर रही है, लेकिन कब तक ऐसे ही महिलाओं की अस्मत लुटती रहेगी? पुलिस न्याय का आश्वासन देती है, क्यों नहीं ऐसी वारदातें बंद होती? क्यों अपराधी इतने बेखौफ बन गए हैं? अरविंद राणा, कौशाम्बी, समाचार प्लस। घिनौना और शर्मनाक खेल यही नहीं थमा। जिला मेरठ उस वक्त चीख उठा जब 12वीं क्लास की छात्रा एक साजिश का शिकार बन अपनी अस्मत गवा बैठी। सोशल साइट के जरिए दोस्ती का आगाज हुआ और फिर गैंगरेप का संगीन गुनाह अंजाम देकर दोस्ती के साथ साथ इंसानियत भी कलंकित कर दी उन दरिंदों ने। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आम महिला सुरक्षित नहीं है। हत्याएं, लूट, मर्डर, बलात्कार रोज हो रहे हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार में कि नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, खुलेआम दिन दहाड़े उठाकर लेकर जाया जा रहा है। जी हाँ, सूबे की हकीकत से अब आम जनता वाकिफ हो चुकी है। शासन प्रशासन और पुलिस के चेहरे से सुरक्षा देने का झूठा नकाब उतर चुका है। सूबे की कानून व्यवस्था सुधारने और सुधरने के दम्ब भरने वाली सरकार का सिस्टम एकदम नकारा है। राज्य सरकार के लिए नफरत से बुझे अल्फाज अभी आपने सुन ही लिए। शर्म करने की साफ साफ हिदायत दी जा रही है। खुलेआम लूट, डकैती, हत्याएं, बलात्कार अंजाम दिए जा रहे हैं। यहां तक कि नाबालिग लड़कियां भी निवाला बन रही हैं। वाकई हद हो गई, ना ही हालात सुधर रहे हैं और ना ही अपराधी।
क्योंकि कौशाम्बी के बाद दरिंदों की दरिंदगी फिर देखने के लिए मिली और वो शहर है मेरठ। एक पूरा परिवार चेहरा ढककर थाना मेडिकल पहुंचा है। शिकायत गैंग रेप की लिखवाई गई है। पूरा पुलिस महकमा हलकान दिख रहा है क्योंकि मामला बेहद संगीन जो है। सोशल साइट फेसबुक के जरिए पीड़ित लड़की को फंसाया गया और फिर उसकी इज्जत नीलाम कर दी गई। बलात्कार किया गया कुछ लड़कों ने उठा करके। अभी लड़की के बारे में पता लगा कि सेंट्रल मार्केट से उठाया, जो पता लगा है हमको, लोगों को उनके लड़की की भी पता ही नहीं है, उनके रिश्तेदारों से पता लगा है कि लड़की को वहां से उठाया गया है। और यहाँ पर एक प्रभावशाली नेता जो है उनके बेटे का भी दोस्त है, अभी यही पता लगा प्रभावशाली जो है नेता है उनके बेटे का दोस्त है, अभी उनका नाम अभी पता नहीं लगा, उनको मालूम कर रहा था। दरअसल मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली 12वीं क्लास की लड़की का इल्जाम है कि सोशल साइट फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ हुई। फेसबुक पर मिला वो लड़का मेरठ का ही बाशिंदा है। बातचीत हुई, प्रेम प्रसंग प्रवान चढ़ा, मगर लड़की अनजान थी उस साजिश से जो जल्द ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने वाली थी। दोपहर का वक्त था, लड़की ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली। फेसबुक पर मिले उसके प्रेमी ने रास्ते में उसे गाड़ी में बैठाया और फिर चल दिए उस अनजान मंजिल की तरफ जहां लड़की की अस्मत तार तार होने वाली थी। लड़की के परिवार का इल्जाम है कि वो परिचित लड़का और उसके एक दोस्त ने गैंग रेप किया और फिर बदहवास वहीं छोड़ लड़की को फरार हो गए। आज एक परिवार ने शिकायत की है कि उनकी लड़की कल ट्यूशन पढ़ने शास्त्री नगर क्षेत्र में गई थी, वहां से कोई लड़का था वो उसको अपनी गाड़ी में बैठा करके ले गया और उसके साथ रेप किया गया। उनके द्वारा जो भी सूचना दी गई है उस पर FIR लिख ली गई है और घटना की गहन जांच की जा रही है। जांच में भी ये जानकारी हुई कि जो लड़का था वो इससे फेसबुक पे कनेक्ट था इस लड़की से। बाकी और सारे तमाम सारे फैक्ट जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेता कोई नहीं है, दो लड़कों का नाम इसमें सामने आया है घटना में, उनके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट की जा रही है और जल्दी गिरफ्तारी कर ली। पीड़ित लड़की और उसके परिवार ने पुलिस को इत्तला दी, मामला दर्ज किया गया है, आरोपी रसूखदार बताए जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन सोशल साइट्स का इस्तेमाल करने वालों से भी हमारी दरख्वास्त है, जरा संभल कर, कभी कभी यही सोशल साइट्स आपकी बर्बादी का सबब बनती हैं। और पुलिस प्रशासन से भी एक बार जरा आंखें खोल लीजिए, वरना जनता कहां जाएगी। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। खबर फिर उत्तर प्रदेश की बिगड़ती और कानून व्यवस्था को तार तार करती उस वारदात से जुड़ी है जिसकी दस्तक ने जिला मुजफ्फरनगर का पौश इलाका थर्रा कर रख दिया। लूटपाट के मकसद से एक घर में घुसे लुटेरे 75 साल की एक बुजुर्ग महिला के कातिल बन गए। तस्वीर 75 साल की बुजुर्ग महिला पुष्पा कपूर की है जिनकी हत्या से हड़कंप मचा है, इलाके में दहशत का माहौल है। इस कमरे के भीतर पुलिस दाखिल हुई है, फॉरेंसिक टीम अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है, परत दर परत सुराग और सबूत खंगाले जा रहे हैं। बेड पर पड़ी लाश पुष्पा की ही है और किस बेकदरी से उनकी हत्या की गई। पांव और हाथ रस्सी से बांधे गए हैं, मुंह को भी तौलिए से बांधा गया है। बड़े बेरहम रहे होंगे वो शैतान जिन्होंने बुजुर्ग पुष्पा की जिंदगी हलाक कर दी। भला पुष्पा की किसी से क्या रंजिश रही होगी जो खुद ही घुट घुट कर मर रही थी, उम्र के आखिरी पायदान पर जिंदगी का सफर अकेली तय कर रही थी। पति ने पहले ही साथ छोड़ दिया, लेकिन शर्म इस बात की भी है कि पुष्पा के बच्चे हैं। बावजूद इसके ममता का कर्ज उतारने के बजाय वो एहसान फरामोश निकले। हॉस्पिटल की मेंबर है वैसे तो, बट अपनी गांधी कॉलोनी में बहुत फेमस थी, अपना अकेले रहती थी शुरू से,
तो अपना अच्छे से रहती थी, ऐसा भी नहीं था, घूमती फिरती थी, सब कुछ था कुछ। अब क्या कहा जा सकता है, कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कत्ल की सनसनीखेज वारदात मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन इलाका गांधीनगर में अंजाम दी गई। पड़ोसियों के मुताबिक पुष्पा काफी मिलनसार थी और उनके परिवार के लोग सुलझे हुए किस्म के थे। पुष्पा के पति आर्मी में कैप्टन पद से रिटायर्ड हुए थे और उनकी मौत के बाद पुष्पा अकेली ही रहती थी। एक बेटा है, वो भी आर्मी में कैप्टन पद पर तैनात है, लेकिन बेटे ने कभी बुजुर्ग माँ की परवाह नहीं की। नतीजा आपके सामने है। पुलिस मान रही है कि हत्या की वजह प्रॉपर्टी भी हो सकती है। बिल्कुल अकेली रहती थी यहाँ और खाना वाना भी आसपास के पड़ोस में ही खाती थी। आज इनका यहाँ पे सूचना मिली थी, इनकी डेड बॉडी मिली है और इनकी देखने से प्रतीत हो रहा है इनकी हत्या की गई है। रही बात घर के बिखरे सामान की, तो पुलिस मान रही है कि कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद लूट का रंग दिया गया, जिससे पुलिस गुमराह हो सके। लेकिन हकीकत यही है कि पुष्पा अपने घर में कोई कीमती सामान नहीं रखती थी। देखना यही है कि पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस की मिस्ट्री कब तक सुलझाती है। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक एहसान फरामोश औलाद की जालिम करतूत। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से हाथ मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन, क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह, देखिए आरोग्य रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? जूली माय लव माय लाइफ। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वैकली। रिफ्रेशिंग मिनीगम आज ली क्या? गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, झांसी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। माँ शब्द सुनकर ही सुकून मिलता है। औलाद का हर गम अपने सिर लेती है और अपनी हर खुशी उस पर निछावर करती है। खुद भूखे रहकर उसकी परवरिश में जरा भी लापरवाही नहीं दिखाती। लेकिन तब क्या जब वही औलाद ममता का कर्ज चुकाने के बदले एहसान फरामोश बन जाए, लालच का नकाब ओढ़कर मां की ममता जलाकर खाक कर दे। मऊ जनपद के जिला अस्पताल में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक परिवार अपनी बेबसी के साथ दाखिल हुआ। हर किसी का दिल और दिमाग सन रह गया जब लोगों की नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी
दर्द से तड़पती शारदा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यकीन मानिए धुंधली इन तस्वीरों की हकीकत सुन आपकी रूह भी कांप उठेगी। दर्द से